हेलो फ्रेंड, वेलकम इन होम नर्सिंग अकेडमी। मैं अनिल कांटीवाला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट फर्स्ट। इसमें हम देखेंगे जो भी एनाटॉमी फिजियोलॉजी है रेस्पिरेटरी सिस्टम से, जो एग्जाम में पूछी जाती है उसके बारे में कंप्लीट शॉर्ट रिव्यू देखेंगे एज ए क्रेश कोर्स एम्स के हिसाब से, और जो भी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम है उसके हिसाब से। ठीक है, तो ये क्लास है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। तो क्लास को आपको शुरू से लेकर एंड तक आपको पूरा देखना है। अब अपन अपना जो भी टॉपिक है वो शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले देखिए अपन बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, रेस्पायरेशन के बारे में। ठीक है, तो रेस्पायरेशन क्या है, रेस्पायरेशन आप इसको ब्रीथिंग भी बोल सकते हो। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन शरीर के अंदर लेते हैं और बाहर क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। वो क्या है, वो है आपका रेस्पायरेशन। ठीक है, तो इसमें देखिए जो भी रेस्पायरेशन है वो एक प्रोसेस है जिसमें शरीर में क्या ली जाती है, ऑक्सीजन को लिया जाता है और बाहर क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये क्या है, रेस्पायरेशन। ठीक है, नेक्स्ट नॉर्मल रेस्पायरेशन रेट है वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जो भी ग्रुप है उनमें अलग होती है। जिसमें अगर आपको सबसे पहले जो भी पूछते हैं वो न्यू बॉर्न में पूछते हैं, न्यू बॉर्न में कितनी होती है, तो वो होती है 30 to 60 per minute। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, जो भी न्यू बॉर्न है उसकी रेस्पिरेटरी रेट वो कितनी होती है, तो वो कितनी होगी, वो होगी 30 to 60 per minute। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड में कितनी होगी, वो होगी 20 to 40 per minute। नेक्स्ट लेट चाइल्डहुड उसमें कितनी होगी, उसमें होगी आपकी 15 to 25 per minute। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पूछते हैं एडल्ट से, एडल्ट में कितनी होगी, तो वो होगी आपकी 12 से 16 per minute। वो कितनी होगी, 12 से 16 per minute। ठीक है, और दो टर्म आपने देखोगे, एक होता है टेकीपीनिया और एक होता है ब्रेडीपीनिया। टेकीपीनिया का मतलब क्या होता है, जो भी आपकी रेस्पिरेटरी रेट है वो नॉर्मल से ज्यादा हो जाए उसको आप क्या बोलोगे, टेकीपीनिया, और नॉर्मल से कम हो जाए उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं ब्रेडीपीनिया। ठीक है, ये टर्म है, ये एग्जाम में पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है तो याद रखना। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन है ये कितने टाइप का होता है उसके बारे में। तो रेस्पिरेशन है ये आपका दो टाइप का होता है, इसमें आप बोल सकते हो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन। जो भी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है ये किसके बीच में होता है, ये भी जो भी आपका लंग्स और जो भी आपका ब्लड है उसके बीच में होता है। ठीक है, और इंटरनल रेस्पिरेशन ये होता है आपका जो भी ब्लड और टिश्यू के बीच में होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए समझिए पहले, तो रेस्पिरेशन की कितने टाइप में डिवाइड किया गया है, दो टाइप में। फर्स्ट है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल मतलब बाहर से क्या ली जाती है, जो भी ऑक्सीजन ली जाती है। ठीक है, बाहर से अपन क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और जो भी रेस्पिरेशन होगा वो किस किस के बीच में होगा, आपके लंग्स और ब्लड के बीच में। ठीक है, आपको ये याद रखना है, लंग्स और ब्लड के बीच में जो भी रेस्पायरेशन होता है उसको आप क्या बोलोगे, एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। ठीक है, इंटरनल रेस्पायरेशन किसे बोलेंगे, जो भी आपका गैस का एक्सचेंज है वो किसके बीच में हो रहा है, ब्लड और टिश्यू, उसको आप क्या बोलोगे, इंटरनल रेस्पायरेशन। ठीक है, एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है ये टर्म, है एग्जाम में पूछी गई है, स्टाफ नर्स के एग्जाम में पूछी गई है, CHO के एग्जाम में भी पूछी गई है। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, ये देखिए ये क्या है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। कहाँ पे, यहाँ पे एक जो भी पर्सन है वो क्या ले रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, और वो कहाँ पे जा रही है, आपके लंग्स में। लंग्स में क्या जाएगी, ऑक्सीजन जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जो भी ब्लड सप्लाई होगी, ब्लड सप्लाई में क्या होगा, जो भी ऑक्सीजन है वो किस में चली जाएगी, ब्लड में, और जो भी ब्लड में अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो किस में आ जाएगी, लंग्स में। लंग्स से वो क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी। ठीक है, ये क्या हो गया, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होता है, ये ब्लड और टिश्यू के बीच में होता है। ठीक है, टिश्यू के अंदर क्या रहेगी, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड रहेगी वो ब्लड में चली जाएगी, और ब्लड के अंदर जो भी क्या रहेगी, ऑक्सीजन रहेगी, वो किस में चली जाएगी, टिश्यूज के अंदर। ये क्या है, ये है आपका इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, सीधा सा है, आसान सा है, कभी भी इनको गलत मत कर देना, एग्जामिनर कभी भी पूछ लेता है। ठीक है, नेक्स्ट फेजेज ऑफ रेस्पिरेशन, तो रेस्पायरेशन है ये कितने फेज में होता है, रेस्पायरेशन है ये भी दो फेज में होता है। इसमें कौन सी फेज होगी, एक तो सांस लेने की फेज और एक सांस छोड़ने की फेज। ठीक है, जो भी मैं सांस ले रहा हूँ ये क्या है, ये है आपका इंस्पायरेशन,
और सांस छोड़ना वो क्या है आपका एक्सपायरेशन। ठीक है, सांस लेने की प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं इंस्पायरेशन, और सांस लेने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं एक्सपायरेशन। तो इसमें पहले मैं बात करता हूँ इंस्पायरेशन, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर अपन क्या करते हैं एयर है वो लंग्स के अंदर लेते हैं, कहाँ से एटमोसफेयर से, वातावरण के जो भी ऑक्सीजन है वो मैं सांस के द्वारा अंदर ले रहा हूँ, वो क्या है वो है आपका इंस्पायरेशन। और आप अपने जो भी अंदर की हवा है वो बाहर छोड़ रहे हो, ठीक है, फेफड़ों से बाहर निकाल रहे हो आपकी हवा, वो क्या है एक्सपायरेशन। ठीक है, सांस को छोड़ना वो क्या है एक्सपायरेशन। ठीक है, और इसके बारे में एक छोटी सी चीज समझिए, नोट लगा के देखें इसमें लिखा है, देखिए इंस्पायरेशन ये क्या है, इंस्पायरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है। इंस्पायरेशन क्या है, एक्टिव प्रोसेस, मतलब आपको इंस्पायरेशन करना पड़ता है, आपको सांस लेना पड़ता है, लेकिन अगर सांस ले लिया तो सांस फिर वो अपने आप ही क्या होगा बाहर निकलेगा, वो क्या होगा आपका पेशी प्रोसेस। ठीक है, एक्सपायरेशन क्या है, एक्सपायरेशन है आपकी पेशी प्रोसेस, और इंस्पायरेशन क्या है एक्टिव प्रोसेस। पूछ सकता है एग्जामिनर, ठीक है, अभी तक तो एग्जाम में नहीं पूछा लेकिन पूछ सकता है एक्टिव और पेशिव का क्या मतलब है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखिए, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम की संरचना के बारे में देखेंगे। संरचना में अपन जो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको दो पार्ट में पढ़ेंगे, कौन से पार्ट में, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपका नोज हो गया, आपका फेरिंग्स हो गया, लैरिंग्स हो गया। ठीक है, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपका क्या हो गया, ट्रेकिया हो गया, आपकी ब्रोंकाई हो गई, ब्रोंकियोस हो गई, एल्वियोलाई हो गई, लंग्स हो गए। ठीक है, ये किस में आएंगे आपके लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो फर्स्ट बात करता हूँ मैं अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें क्या आएगा नोज, नोज को क्या बोलते हैं पहला ऑर्गन बोलते हैं किसका, श्वास का। ठीक है, जो शुरुआत कहाँ से होती है आपके नोज से। ठीक है, नेक्स्ट है फेरिंग्स और लेरिंग्स, ये किस में आते हैं, ये आते हैं आपके अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में। ठीक है, एग्जामिनर पूछ लेगा कि लेरिंग्स है आपके कौन से रेस्पिरेटरी ट्रैक में आता है, अपर में आता है कि लोअर में आता है, तो अपर में आता है। लोअर में क्या क्या आता है, लोअर में आता है आपका ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स और लंग्स, ये किस में आते हैं, ये आपके लोअर में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक डायग्राम देखिए आपको समझाता हूँ, ये डायग्राम देखिए, ये हो गया आपका क्या हो गया अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, इसमें आपको देखने को मिलेगा नोज, इसमें आपको देखने को मिलेगा फेरिंग्स, और इसमें आपको देखने को मिलेगा लैरिंग्स। ये क्या है, ये है आपका अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट इसके अंदर मैं आपको एक और दिखाता हूँ, ये देखिए ये नीचे वाला ये क्या है, ये है आपका लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये देखिए इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा ट्रेकिया, क्या देखने को मिलेगा ट्रेकिया, और इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा प्राइमरी ब्रोंकाई, लंग्स देखने को मिलेंगे, ये किस में देखने को मिलेंगे आपको, ये देखने को मिलेंगे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, समझ गए, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, कोई भी पूछ लेगा एग्जामिनर तो आपको ये गलत नहीं करना है। कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट के बारे में देखते हैं जो एग्जाम में पूछ लेते हैं, नोज है, नोज को क्या बोलते हैं फर्स्ट ऑर्गन बोलते हैं किसका, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का। कोई भी बोल दे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का फर्स्ट ऑर्गन कौन सा है, तो फर्स्ट ऑर्गन कौन सा होगा भाई, फर्स्ट ऑर्गन होगा आपका नोज, क्योंकि आपने शुरू कहाँ से किया सांस लेना, नोज से। ठीक है, पूछ सकता है कोई भी। नेक्स्ट, लेरिंग्स को अपन किस नाम से जानते हैं, लेरिंग्स को अपन वॉइस बॉक्स के नाम से भी जानते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है 2 से 3 बार। ठीक है, सीएचओ और स्टाफ नर्स में पूछा गया है ये 2 से 3 बार, लेरिंग्स को अपन किस नाम से जानते हैं, वॉइस बॉक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखिए ग्लोटिस, ग्लोटिस क्या है, एक ट्यूब वोकल कॉर्ड के बीच में जो भी ओपनिंग आपको देखने को मिलेगी वो क्या है, वो है आपका ग्लोटिस, और ग्लोटिस को कवर कौन करता है, वो करता है आपका एपिग्लोटिस। देखिए ये क्या है, एक फ्लेक्सिबल कार्टिलेज है जो खाना खाते समय जो भी खाना है वो ट्रेकिया में जाने से रोकता है। ठीक है, ग्लोटिस के ऊपर आके ऐसे कर जाता है, जैसे भी आप क्या करते हो स्वालो करते हो, जैसे आप कुछ भी खाते हो और फिर ऐसे निगलते हो, तो जो भी एपिग्लोटिस है वो क्या करता है, जो भी ग्लोटिस है उस संरचना को ढक देता है, तो जो भी खाना है वो ट्रेकिया में ना जाके किस में चला जाता है, इसोफेगस में। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये खाने को किस में जाने से रोकता है, ट्रेकिया में जाने से रोकता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ ये मोस्टली सीएचओ की स्टाफ सीएचओ के एग्जाम है, आपके स्टाफ नर्स के एग्जाम है, उसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रेकिया को आप किस नाम से जानते हो? ट्रेकिया को आप विंड पाइप के नाम से भी जानते हो, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ट्रेकिया को आप किस नाम से जानते हो? ट्रेकिया को हम विंड पाइप के नाम से भी जानते हैं। और क्या बोलते हैं ट्रेकिया में? ट्रेकिया में देखिए ट्रेकिया की लेंथ है, क्या पूछते हैं? ट्रेकिया की लेंथ पूछते हैं वो कितनी होगी? 10 से 12 सेंटीमीटर। कितनी होगी? 10 से 12 सेंटीमीटर। जहां जहां पे क्यों लगा रहा हूँ, स्टार लगा रहा हूँ, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, वापस से भी पूछ सकते हैं। और इसमें आपको क्या देखने को मिलेगी? इसमें आपको 16 से 20 क्या देखने को मिलेगी? सी शेप की इनकम्प्लीट आपको रिंग है वो देखने को मिलती है। कितनी? 16 से 20। और शेप कैसी होगी उनकी? सी शेप की। ठीक है, वापस से रिपीट कर रहा हूँ, इसको आप किस नाम से जानते हो? विंड पाइप के नाम से जानते हो। ठीक है, 10 से लेकर 12 सेंटीमीटर तक इसकी क्या होती है? लेंथ होती है। 16 से 20 इसमें आपको इनकम्प्लीट सी शेप की आपको रिंग्स है, संरचना वो दिखाई देंगी। ठीक है, एग्जाम में पूछ लेते हैं। और जो किससे मिलकर बना होता है ट्रेकिया में? ये बनना होता है आपका हाइलिन कार्टिलेज। किससे मिलकर बना होता है? हाइलिन कार्टिलेज। ठीक है, नेक्स्ट, केरिना। केरिना क्या है? एक वहां पे ऐसा पॉइंट है जहां पे जो भी ट्रेकिया वो दो ब्रोंकाई में बट जाता है। ठीक है, ऐसे आपने ये देखा होगा, ये इस तरीके से आपने क्या देखा होगा, ये आपका ट्रेकिया। ठीक है, और ये आपकी ब्रोंकाई हो गई, ये प्राइमरी आपकी क्या हुई? ब्रोंकाई। और ये जहां पे बढ़ता है ये वाला एरिया क्या है? ये है, इसको आप क्या बोलोगे? कैरिना। इसको क्या बोलोगे? कैरिना। ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट, ब्रोंकाई। ठीक है, आगे देखिए, कैरिना की एक साइड में इधर ब्रोंकाई हुई और एक ब्रोंकाई उधर हो गई। अब क्वेश्चन कहां पे बनेगा हम उस पर बात करेंगे। यहाँ पे ब्रोंकाई आपको कौन सी देखने को मिलेगी? दो तरीके की, एक तो राइट साइड की और एक लेफ्ट साइड की। ठीक है, तो इसमें देखिए जो भी राइट ब्रोंकाई है, यहाँ पे दो चीजें देखना। राइट ब्रोंकाई ये क्या होती है? ये लेफ्ट ब्रोंकाई की तुलना में क्या होती है? ज्यादा चौड़ी होती है। ठीक है, क्या होती है? ज्यादा चौड़ी होती है और आपको वर्टिकल दिखाई देगी। वर्टिकल मतलब जैसे खड़ा ये पेन है, ये क्या है? वर्टिकल। और ये है हॉरिजॉन्टल। ये क्या है? ये है हॉरिजॉन्टल और ये क्या है? वर्टिकल। तो जो भी राइट ब्रोंकाई है ये आपको ज्यादा वर्टिकल दिखाई देगी, प्लस में ये क्या रहेगी? ज्यादा चौड़ी रहेगी और ये क्या रहेगी? थोड़ी शॉर्ट रहेगी। ठीक है, तो ये ज्यादा ऑब्स्ट्रक्ट होने के इसमें ज्यादा चांस रहते हैं। लेफ्ट ब्रोंकाई है, अगर मैं उसकी बात करूं तो लेफ्ट ब्रोंकाई का क्या है? लेफ्ट ब्रोंकाई राइट की तुलना में क्या है? ये थोड़ी हॉरिजॉन्टल है, थोड़ी नेरो है और ज्यादा लंबी है। कौन सी? लेफ्ट। तो सबसे ज्यादा ऑब्स्ट्रक्ट होने के चांस किसमें रहेंगे? राइट में। तो वो क्यों रहेंगे? उसमें यहाँ पे एक डायग्राम देख के बताता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये हो गया आपका ट्रेकिया। अब मैं बात करता हूँ, ये देखिए, ये क्या है? एक सेकेंड, ये देखिए, हाईलाइट कर रहा हूँ। ये देखिए, ये है आपकी राइट ब्रोंकाई। तो राइट ब्रोंकाई आपकी क्या है? ये देखिए, इसकी तुलना में क्या है? ये शॉर्ट है और क्या है? ज्यादा चौड़ी है। ठीक है, और ज्यादा खड़ी है। ठीक है, मतलब वर्टिकल है और थोड़ी वाइड है और क्या है? शॉर्ट है। किसकी तुलना में? लेफ्ट की तुलना में। ठीक है, ये समझिए, देखिए ये क्या थी? ये आपकी राइट और ये वाली लेफ्ट। ये वाली क्या हो गई आपकी? लेफ्ट। ठीक है, तो ये देखिए, ये क्या है? ये ज्यादा चौड़ी है इसकी तुलना में। ठीक है, देख सकते हो। तो क्या बोलोगे? इसके अंदर ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन होने के चांस है। क्या है? इसके अंदर ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन होने के चांस है। किसमें? राइट ब्रोंकाई में। ठीक है, राइट ब्रोंकाई में ज्यादा ऑब्स्ट्रक्ट होने के चांस है। समझ गए ये चीज? नेक्स्ट, अब आगे चलेंगे इसमें। इसमें नेक्स्ट अपन देखेंगे रेस्पिरेटरी यूनिट के बारे में। तो जो भी रेस्पिरेटरी यूनिट है ये किससे मिलकर बनी होती है? ये मिलकर बनी होती है आपकी ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलर सैक और एल्वियोलर से ये मिलके बनी होती है। जहां पे क्या होता है रेस्पिरेटरी यूनिट में क्या देखने को मिलता है? जो गैस एक्सचेंज है वो कहाँ पे देखने को मिलता है आपको? रेस्पिरेटरी यूनिट में। ठीक है, जो किससे मिलके बनी होती है? आपकी ब्रोंकियोल से, आपकी एल्वियोलर डक्ट से, आपकी एल्वियोलस से वो मिलके बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें आपको देखिए, इसमें डायग्राम देखिए, ये पूरी क्या है? ये है आपकी रेस्पिरेटरी यूनिट। तो देखिए आपको यहाँ पे ये क्या दे रही है आपके ब्रोंकियोल्स। ये क्या है? ब्रोंकियोल्स। ये आप आगे देख सकते हो, ये किसमें?
हो रही है डिवाइड, ये है एल्वियोलर डक्ट में, और ये क्या है, ये है पूरा एल्वियोलर सैक, ठीक है। और एल्वियोलर सैक के बीच में जो भी स्पेस है उसको आप क्या बोलते हो, उसको अपन बोलते हैं एंट्रम, स्पेस बिटवीन एल्वियोलर सैक उसको आप क्या बोलोगे, एंट्रम, ठीक है। और ये देख सकते हो ये क्या है आपकी एल्वियोलाई, ठीक है। इसको पूरी को आप क्या बोलोगे, इसको पूरी को आप बोलोगे रेस्पिरेटरी यूनिट, रेस्पिरेटरी यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट मैं बात करता हूं एल्वियोलाई, एल्वियोलाई के लिए देखिए ये क्या है, एक स्मॉलेस्ट यूनिट है किसकी, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की। एग्जामिनर आपको क्वेश्चन दे दे, आपको पूछ ले, ये ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन है, स्टाफ नर्स के एग्जाम है या फिर सीएचओ एग्जाम में पूछे जाते हैं, एम्स ऐसे ऐसे क्वेश्चन है वो कम ही लेता है, ठीक है। लेकिन आपको अगर स्टाफ नर्स एग्जाम दे रहे हो तो उसमें पूछ सकता है एल्वियोलाई ये क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है किसकी, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, ठीक है। नेक्स्ट लंग्स में कितने लगभग आपको कितनी एल्वियोलाई देखने को मिलेगी, तो वो देखने को मिलेगी लगभग आपको 300 मिलियन एल्वियोलाई है वो देखने को मिलेगी, जो क्या करती है गैस एक्सचेंज के लिए आपको कितना स्पेस देंगी, 70 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 70 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया प्रोवाइड करवाएगी किसके लिए, गैस एक्सचेंज के लिए, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ एल्यूलर सेल्स, एक चीज मैं बताना भूल गया, एल्यूलर सेल्स को आप किस नाम से जान सकते हो, आप उसको बोलोगे न्यूमोसाइट्स, क्या बोलेंगे, न्यूमोसाइट्स, ठीक है। तो ये कितने टाइप की होती है, ये दो टाइप की होती है, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकेंड। टाइप फर्स्ट है वो गैसियस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसकी संख्या कितनी होगी, 95%। टाइप सेकेंड जिसमें आप सर्फेक्टेंट देखने को मिलेंगे वो कितनी होती है, 5%। इसमें देखिए आगे देखिए देखिए टाइप फर्स्ट एल्यूलर सेल ये कितनी होती है, लगभग ये होती है आपकी 95%, कितनी होती है, 95%, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, गैसियस एक्सचेंज के लिए, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, गैसियस एक्सचेंज के लिए, ठीक है, गैस एक्सचेंज का काम करती है। नेक्स्ट इसमें देखिए टाइप सेकेंड वो क्या है, वो कितनी होती है, वो होती है आपकी 5%, वो कितनी होती है आपकी 5%, जो क्या करती है, सर्फेक्टेंट सिक्रेशन का काम करती है, किसका काम करती है, सर्फेक्टेंट सिक्रेशन का काम करती है। सर्फेक्टेंट के बारे में आपको आगे बताता हूँ, सर्फेक्टेंट क्या होते हैं, इसमें देखिए सर्फेक्टेंट क्या है, किससे मिलके बने होते हैं, ये फॉस्फोलिपिड से मिलके बने होते हैं। एग्जामिनर पूछ सकता है सर्फेक्टेंट किसके मिलके बने होते हैं, ये फॉस्फोलिपिड के बन के मिलके बने होते हैं, तो जो क्या करते हैं, जब भी एक्सपायरेशन करते हैं, ठीक है, एक्सपायरेशन मतलब सांस आप छोड़ते हो, उस टाइम से अगर आप ये सोचोगे कि अपन सांस छोड़ रहे हैं तो जो भी एयर है वो बाहर निकल गई, तो लंग्स से वो चिपक तो नहीं जाएंगे, पिचक तो नहीं जाएंगे, तो उनको पिचकने से या उनको चिपकने से कौन रोकता है, आपके सर्फेक्टेंट, किसके मिलके बने होते हैं, फॉस्फोलिपिड के, ठीक है। और कभी भी लंग्स है उनसे पूरी एयर है वो नहीं निकलती, लंग्स में आपको कुछ एयर है वो देखने को मिलती है, जिसको आप क्या बोलते हैं, रेजिडुअल लंग्स वॉल्यूम, ठीक है, तो उसमें देखेंगे आगे। नेक्स्ट है, नोट लगा के एक बात लिखी है, जो भी सर्फेक्टेंट है उनका सिक्रेशन फिटल लाइफ के कब शुरू होता है, 24 से लेके 28 वीक पर वो क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है, और लगभग 35 वीक का जो भी समय है, यहाँ पे देखिए लिख रखा है 35 वीक का जो भी समय है, तब तक क्या बन जाते हैं, पूरे इनफ मात्रा में आपको क्या देखने को मिल जाएंगे, सर्फेक्टेंट वो देखने को मिल जाएंगे। और आपने देखा होगा कोई भी लेडीज है, अगर उसमें शुरू से अगर उनमें क्या हो रहा है, लगभग लेबर पेन है वो, मतलब पेन है वो, लेबर पेन आपको ऐसे लग रहा है कि इसमें लेबर पेन है वो जल्दी देखने को मिल जाएंगे, मतलब कईयों में होता है ना कि पूरी प्रेगनेंसी के टाइम पे उनको पेन ज़्यादा रहता है, तो डॉक्टर ऐसे सोचता है कि इसको जल्दी डिलीवरी करवाने की ज़रूरत पड़ जाए, या इसकी हिस्ट्री ऐसी है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि मदर को इंजेक्शन लगाते हैं, किसका, बीटामेथासोन या डेक्सामेथासोन का लगाते हैं, क्यों, जो भी फिटल लंग मेच्योरिटी के लिए, कि जो भी फिटस है उसमें पर्याप्त मात्रा में क्या बन जाए, सर्फेक्टेंट बन जाए, ठीक है। नेक्स्ट एंट्रम अभी बताया था मैंने, वो क्या है, स्पेस इनसाइड एल्वियोलर सैक, उसको आप क्या बोलते हो, एंट्रम। नेक्स्ट लंग्स, अब लंग्स पे मैं दो बता दूं, लंग्स कितने होते हैं, लंग्स होते हैं आपके दो, लंग्स कितने होते हैं, लंग्स आपके होते हैं दो,
इसमें ध्यान में या जो भी आपको याद रखना है या ध्यान में जो भी बात रखनी है वो ये है कि जो भी राइट लंग्स होता है उसमें कितने लोब होते हैं, उसमें 3 लोब होते हैं। लेफ्ट लंग्स में कितने लोब होते हैं, लेफ्ट लंग्स में आपके 2 लोब होते हैं। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। राइट में 3 क्यों होते हैं, ठीक है, राइट में आपको कितने लोब्स देखने को मिलते हैं, 3, और लेफ्ट में 2 ही क्यों होते हैं, क्योंकि उसका कुछ एरिया है जो भी हेड है वो क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है। वो आपको आगे एक डायग्राम में वो दिखा दूंगा। इसमें देखिए प्लूरा, प्लूरा क्या है, यह लंग्स पर पाई जाने वाली क्या है, कवरिंग है, ठीक है। लंग्स पे एक कवरिंग पाई जाती है सीरस मेम्ब्रेन की, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लूरा, ठीक है। और तो जो भी कवरिंग है वो दो आपको मेम्ब्रेन से मिलके बनी होती है, पेराइटल और विसरल। नेक्स्ट इसमें देखिए डायफ्राम के बारे में, इंपॉर्टेंट है डायफ्राम। यह क्या है, रेस्पायरेशन की एक मेन मसल है, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, मेन मसल ऑफ रेस्पायरेशन, आप उसको क्या बोलोगे, डायफ्राम, क्या बोलेंगे, डायफ्राम, मेन मसल ऑफ रेस्पायरेशन, उसको अपन क्या बोलेंगे, डायफ्राम। नेक्स्ट है डायफ्राम को नर्व सप्लाई कौन करती है, तो वो करती है आपकी फ्रेनिक नर्व, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। डायफ्राम को नर्व सप्लाई कौन करती है, वो करती है आपकी फ्रेनिक नर्व, ठीक है। नेक्स्ट इसमें यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखाते हैं, ये देखिए जब भी इंस्पायरेशन करेंगे तो जो आपको आपका डायफ्राम है वो क्या है, नीचे की तरफ चला जाएगा, एक्सपायरेशन के टाइम पे जो भी डायफ्राम है ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। डायफ्राम किस शेप में होता है, वैसे आपको डोम शेप में दिखाई देगा, ये नीचे की तरफ, इसको अपन क्या बोलते हैं, मेन मसल ऑफ, क्या बोलेंगे, मेन मसल ऑफ रेस्पायरेशन, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इसमें कॉम्प्लिकेशन, सॉरी कंपोजिशन ऑफ इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड एयर, ठीक है। आपने इंस्पायर्ड एयर ली है आपने, ठीक है, जो भी आपने गैस ली है, मतलब एयर ली है, एयर में कौन सी गैस होंगी उसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो देखिए गैस के बारे में आपने क्या है, एक इंस्पायर्ड गैस, मतलब आपने गैस है वो क्या किया है, उसको इंस्पायर किया है, श्वास लिया है, तो उसमें ऑक्सीजन कितनी होती है, वो होती है आपकी 21%, कितनी होती है, 21%। अपन श्वास लेते हैं तो उसमें 21% ऑक्सीजन होती है, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो वापस से देख ले। और ये तो एम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, एम्स दिल्ली की एग्जाम लगी थी 2018 में, ठीक है, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, साफ साफ पूछा गया था, इजी क्वेश्चन है। अगर आप एक्सपायरेशन करते हो तो उसमें ऑक्सीजन है वो कितना परसेंटेज होता है, तो होता है 16%। आप जो भी इंस्पायर कर रहे हो, सांस ले रहे हो, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है, वो होती है 0.04%, ठीक है। और एक्सपायर्ड गैस में सांस छोड़ते हो तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो कितनी होगी, वो होगी 4%, ठीक है। और एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, ये भी एग्जामिनर पूछ लेगा, एटमॉस्फेयर में मैक्स गैस वो कौन सी पाई जाती है बताइए, तो वो होती है आपकी नाइट्रोजन। सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो वो होती है आपकी नाइट्रोजन, लगभग 71% वो देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट मैं बात करता हूँ पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, इसमें आपको दो चीज़ पढ़ेंगे, क्या लंग्स की वॉल्यूम और लंग्स की कैपेसिटी। क्वेश्चन कहाँ से आएगा ये मैं आपको बता दूंगा, एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है हम उसी पे ज़्यादा डिस्कस करेंगे, वो मैं आपको हाईलाइट करवा दूंगा। तो इसमें पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में अपन क्या पढ़ेंगे, लंग्स वॉल्यूम, लंग्स वॉल्यूम जो भी एक नॉर्मल इंडिविजुअल सांस लेता है, ठीक है, तो उसमें कितनी एयर रहती है नॉर्मल इंडिविजुअल में, वो क्या है आपकी लंग्स की वॉल्यूम, ठीक है। ये देखिए ये 4 तरीके की होती है, उसमें सबसे पहले अपन देखेंगे टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम में देखिए टाइडल वॉल्यूम है ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीथ एंड आउट लंग्स इन ए सिंगल क्वाइट रेस्पायरेशन। टाइडल वॉल्यूम क्या होती है, मैंने नॉर्मली एक रेस्पायरेशन किया, ठीक है, नॉर्मली किया, ना तो मैंने जोरों से सांस लिया ना मैंने जोरों से सांस छोड़ा, जैसे मैं नॉर्मल सांस लेता हूँ, ठीक है, नॉर्मल अपन सांस लेते हैं आराम की अवस्था में, तो वो क्या होता है, वो होता है आपका टाइडल वॉल्यूम।
ठीक है, एक सांस आपने ली और छोड़ी, वो क्या है आपका नॉर्मल स्थिर कंडीशन में वो होता है टाइडल वॉल्यूम, और वो कितना होता है, वो होता है आपका 500 ml। ये एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है, नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम कितनी होती है, तो वो होती है आपकी 500 ml, या आप क्या बोल सकते हो 0.5 लीटर, क्या बोल सकते हो 0.5 लीटर। ठीक है, हाईलाइट करवाइए इस बात को, तो इस बात पे आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जामिनर है, उसने आज तक ये क्वेश्चन 3 से 4 बार पूछा है, एम्स में भी आया हुआ है, आपके CHO के एग्जाम में भी आया हुआ है, आपके स्टाफ नर्स के एग्जाम में भी पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है इंस्पायरेटरी रिजर्वर वॉल्यूम, ये क्या होती है, मैंने नॉर्मली क्या है, मैंने सांस ली, सांस एक मैंने इंस्पायरेशन कर दिया नॉर्मल, उसके बाद में मैं क्या है फोर्सफुली और इंस्पायरेशन करता हूँ, ये क्या है इंस्पायरेटरी रिजर्वर वॉल्यूम, तो वो कितनी होगी, वो होगी आपकी 3300 ml। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ एक्सपायरेटरी रिजर्वर वॉल्यूम, ये होती है आपकी 1000 ml। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है वो वहीं से आता है, ठीक है, क्वेश्चन कहाँ से बनता है, वो है आपकी रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, रेजिडुअल वॉल्यूम कितनी होती है, ये होती है 1200 ml, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंस्पायरेटरी भी नहीं पूछा एग्जामिनर ने, एक्सपायरेटरी भी नहीं पूछा, रेजिडुअल वॉल्यूम है, ये क्या है, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, रेजिडुअल वॉल्यूम कितनी होती है, वो होती है आपकी 1200 ml, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपको टाइडल वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम होती है 500 ml, याद रखना है, रेजिडुअल वॉल्यूम कितनी होती है, वो होती है आपकी 1200 ml। रेजिडुअल वॉल्यूम किसे बोलेंगे, आपने क्या किया, आपने सांस लिया, आपने सांस छोड़ दिया, चाहे आप सांस दम लगा के निकाल दो, फिर भी आपके लंग्स में कुछ एयर बची रहेगी, ठीक है, उसके अपन क्या बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, और वो कितनी होती है, वो होती है आपकी 1200 ml या 1.2 लीटर, समझ गए। नेक्स्ट अपन बात करेंगे आपकी लंग्स की कैपेसिटी, किसकी बात करेंगे, लंग्स की कैपेसिटी की, तो लंग कैपेसिटी क्या होती है, लंग कैपेसिटी अपन मापते हैं किसमें, आपके दो और दो से ज्यादा जो भी लंग्स की वॉल्यूम है, कॉम्बिनेशन ऑफ लंग की वॉल्यूम है, उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ लंग्स वॉल्यूम, वो किस में अपन देखते हैं, लंग की कैपेसिटी। ठीक है, और मोस्टली जो क्वेश्चन आता है वो आता है टोटल लंग कैपेसिटी, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, वाइटल कैपेसिटी से भी पूछ लेते हैं, तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितनी होगी, मतलब एक आदमी कितना इंस्पायर कर सकता है, एक तो होगा आपका नॉर्मली, नॉर्मली आप क्या होता है टाइडल वॉल्यूम, और फिर आपने फोर्सफुली इंस्पायरेशन किया, वो आपकी क्या होगी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होगी, तो वो कितनी होगी, वो होगी 3800 ml, कैसे होगी, टाइडल वॉल्यूम कितना था 500 ml, प्लस में आपने क्या किया इंस्पायरेटरी रिजर्वर वॉल्यूम, आपने फोर्सफुली इंस्पायरेशन किया, वो कितना है 3300 ml, तो टोटल कितना हो गया 3800 ml, ये क्या हो गई इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, नेक्स्ट है वाइटल कैपेसिटी, इसे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, एम्स ने पूछा था, तो इसके अंदर क्या होगा आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना था 3300, प्लस में आपका टाइडल वॉल्यूम कितना है 500, प्लस में आपका क्या है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वो कितना है 1000, तो टोटल कितना हो गया 4800, ये क्या है आपकी, ये है वाइटल कैपेसिटी, इसे एम्स में क्वेश्चन आया हुआ है वाइटल कैपेसिटी से। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, इसमें आप क्या करोगे, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी ये कितनी होती है, ये होती है आपकी 2200 ml, इसमें देखिए एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होगा 1000 ml, और जो भी रेजिडुअल वॉल्यूम कितना होता है, वो होता है 1200 ml, 1.2 लीटर, तो टोटल कितना हो गया, वो हो गया 2200 ml, ये क्या है आपकी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। नेक्स्ट है एग्जाम में इससे क्वेश्चन आया हुआ है, वो है टोटल लंग कैपेसिटी, इसमें आपकी चारों वॉल्यूम आ जाएगी, ये याद रखना, टोटल लंग कैपेसिटी आ जाए तो उसमें आपकी चारों वॉल्यूम है वो आती है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम, टोटल कितनी हो गई, वो हो गई 600 ml या फिर 6 लीटर, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया हुआ है, तो ये आपको गलत नहीं करना है, ये क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है, कौन सा टोटल लंग कैपेसिटी, इसमें आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ गया, टाइडल वॉल्यूम आ गया,
एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ गया और रेजिडुअल वॉल्यूम आ गया। ये याद रखना कितना होता है टोटल, वो होता है 6000 ml या फिर 6 लीटर। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और PFT के लिए अपन कौन सा इंस्ट्रूमेंट काम में लेते हैं, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। इसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट काम में लेते हैं, वो काम में लेते हैं इंस्ट्रूमेंट कौन सा होगा, इंस्ट्रूमेंट लिख देता हूँ, इंस्ट्रूमेंट कौन सा होगा, वो होगा आपका स्पायरोमीटर, स्पायरोमीटर, ठीक है। स्पायरोमीटर है वो काम में लेते हैं किसके लिए, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट है उसको मेजर करने के लिए, ठीक है, समझ गए। ये था एनाटॉमी और फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये इसका पार्ट फर्स्ट है। इसके पार्ट सेकंड में अपन देखेंगे जो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर है और डिजीज कंडीशन है उसके बारे में, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही, ओम नर्सिंग एकेडमी के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद में आप जो भी पार्ट सेकेंड है उसको ज़रूर देखें। थैंक यू।